हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है मजिस्ट्रेट्स की अधिकारिता। जिस भी कोर्ट में आपका मामला चल रहा है उस कोर्ट का नाम सुनकर ही आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी सज़ा मिल सकती है, क्योंकि हर मजिस्ट्रेट के पास में एक कैपिंग है कि वह कितनी सज़ा देने का अधिकार रखता है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि हायरार्की क्या है। तो कोर्ट्स को तीन सेगमेंट में बांटा गया है। सबसे ऊपर है हाई कोर्ट, जो हर स्टेट में एक होता है। उसके नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबसे नीचे होते हैं मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट। आप सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कहाँ चला गया? तो सुप्रीम कोर्ट का काम अपील सुनना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दो काम है, पहला है कानूनों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूज, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, और दूसरा काम सुप्रीम कोर्ट का है मूल अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम इसीलिए है, कारण ये कि सुप्रीम कोर्ट के पास कानून बनाने की भी अधिकारिता है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट जो बोल दे वही कानून होता है। इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे किसी और सेगमेंट में, किसी और लेक्चर में। आज हम समझ रहे हैं अधिकारिता, कोर्ट्स के पास क्या पावर है। तो सबसे नीचे लेवल से शुरू करते हैं। सबसे नीचे होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास का कोर्ट, इसे शॉर्टकट में कहते हैं JMSC। हिंदी में इसे कहते हैं न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सेकेंड क्लास का मजिस्ट्रेट है ये। और इस मजिस्ट्रेट के पास पावर है केवल एक साल की सजा ये दे सकते हैं। कितनी? एक साल का कारावास और दूसरा मैक्सिमम 5,000 रुपए का जुर्माना। तो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अगर मामला चल रहा हो तो पावर कितनी है उसकी? मैक्सिमम एक साल का कारावास वो दे सकते हैं। इसके ऊपर आते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उन्हें शॉर्टकट में कहते हैं JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। हिंदी में कहा जाता है न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, और इनके पास मैक्सिमम पावर है 3 साल का कारावास या अधिकतम दे सकते हैं 3 years imprisonment, और मैक्सिमम जो फाइन दे सकते हैं ये वो है 10,000 रुपए का जुर्माना, 10,000 rupees का फाइन। तो 3 साल का कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना, उससे ऊपर ये नहीं जा सकते, इनकी कैपिंग कर दी गई है, इनके अधिकार क्षेत्र में इतनी ही सजा आती है। इसके ऊपर अगर जाते हैं तो CJM का कोर्ट आता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM, जिसे हम कहते हैं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिंदी में कहा जाता है, और इनके पास पावर है मैक्सिमम 7 साल की सजा ये दे सकते हैं, जुर्माना जितना चाहे उतना, जितना वो जुर्माना चाहे उतना लगा सकते हैं। लेकिन ये जुर्माने की रकम मनमानी नहीं होगी। जुर्माने की रकम कैसे तय की जाती है ये हम चर्चा करेंगे किसी और लेक्चर पर, उस पर भी हम बात करेंगे, इस चैनल से जुड़ी रहिएगा। इसके ऊपर चलते हैं तो आता है सेशन कोर्ट, जिला स्तर का न्यायालय, और जिला स्तर पर जो दांडिक न्यायालय है उसे कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशंस, जिसे हम सत्र न्यायालय हिंदी में कहते हैं। यहाँ 3 तरह के जज बैठते हैं, एक होते हैं सेशन जज, सत्र न्यायाधीश, दूसरे होते हैं एडिशनल सेशन जज, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, और तीसरे होते हैं असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सत्र न्यायाधीश। इन तीनों के पास अलग अलग पावर है। जो सहायक सत्र न्यायाधीश हैं, असिस्टेंट सेशन जज हैं, इनके पास पावर है मैक्सिमम 10 साल की सजा ये दे सकते हैं, 10 years imprisonment, और जुर्माने की रकम उतनी हो सकती है जितना उनको लगता है कि सही है। तो 10 साल का कारावास और जुर्माना दे सकते हैं असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सत्र न्यायाधीश। सेशन जज, सत्र न्यायाधीश और एडिशनल सेशन जज, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन दोनों के पास सेम पावर है। ये दोनों ही विधि द्वारा प्रावधानित कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। रिपीट कर दूं, एनी पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाई लॉ दे कैन पास एज अ सेंटेंस, कोई भी सजा। तो क्या उनको मृत्युदंड देने का अधिकार है? डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं क्या? तो इस पर एक कंडीशन है कि अगर वो डेथ पनिशमेंट देते हैं, मृत्युदंड देते हैं, तो उसे हाई कोर्ट से कंफर्म करवाना होता है। इट मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द रिलेटेड हाई कोर्ट। सेक्शन 366 धारा 366 CRPC में कंफर्मेशन जाता है हाई कोर्ट के पास में, और हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं, ठीक मृत्युदंड दिया गया है, डेथ पनिशमेंट दिया गया है, तो ही सजा बरकरार रखी जाती है। अदरवाइज उस सजा को हाई कोर्ट पलट सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है। तो ये था एडिशनल सेशन जज और सेशन जज के पावर। सबसे ऊपर है हमारा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और हाई कोर्ट विधि द्वारा प्रावधानित कोई भी दंडादेश देने की क्षमता रखता है। हाई कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस विच इज प्रोवाइडेड बाय लॉ। तो ये थी हायरार्की हमारे कोर्ट्स की और उनके पावर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसे भी जानना। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको जानना ही चाहिए, एडवोकेट्स को तो ये पता ही होना चाहिए, और आम नागरिक के लिए भी ये जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं लॉ आपको एम्पावर देता है, शक्ति देता है आपको सामाजिक, राजनैतिक और
व्यक्तिगत रूप से भी। तो इन लेक्चर्स को सुनते रहें, अपने आप को एम्पावर करें, औरों तक इस लेक्चर को पहुंचाएं, क्योंकि नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही ताकत है। आज के लिए इतना ही। कुछ आप और जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो सीधे कमेंट बॉक्स पर आइए और अपने संदेश मुझ तक पहुंचाइए। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।